आप सबको गुड इवनिंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस चेन्नई से ये वीडियो बना रहा हूँ। यह हमारा वेबसाइट है smartfinancing.com एंड हम लोग लगभग 15 साल से स्टॉक मार्केट का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाने में, नया नया रिसर्च में लगे हुए हैं। बहुत सारा यूनिक रिसर्च जो हमारा है, जैसे कि वोलेटाइलिटी को लेके डे ट्रेडिंग करना, ट्रेड डिसीजंस लेना, जैसे कि नेचुरल कांस्टेंट को यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, जैसे कि डब्ल्यू डी गैंस का मेथड को यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, बीटा डिकॉपलिंग का मेथड्स को यूज करके ट्रेड जो ट्रेड्स इनिशिएट करना, हेज रिलेटेड ट्रेड्स, ये सारे हमारा इनोवेशंस है। एंड जितने भी हमारे इनोवेशंस है वो सारे डिफरेंट कोर्सेस में हम दे रखे हैं। जैसे कि ज्ञान के कोर्सेस में डब्ल्यू डी ज्ञान के कॉन्सेप्ट आएंगे, एफएंडओ में एफएंडओ के कॉन्सेप्ट आएंगे। एंड जो लोग पूरा सारे कोर्स लेने चाहते हैं उनको भी कुछ डिस्काउंट रेट भी दिया गया है। तो ये सारे जो है कोर्सेस सॉफ्टवेयर जो हमारा है, ये लेके आप वो मेथड को पढ़ सकते हैं। एंड आज का जो वीडियो का प्रेजेंटेशन रहेगा, ये मेरा ज्ञान का जो सीरीज ऑफ वीडियोस है इसका सिक्स्थ पार्ट है। 6 पार्ट है, 5 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये ट्रेंड चेंज डेट होता क्या है। एंड डब्ल्यू डी ज्ञान का ये जो ट्रेंड चेंज डेट, कोई बोलता है प्रेशर डेट, कोई बोलता है जो ट्रेंड बदलने का दिन, जो भी नाम आपको चाहे आप डाल दें, ट्रेंड बदलने का ये जो दिन कैसे, इसको कैलकुलेशंस किए जाते हैं ज्ञान के मेथड, एंड इस दिन में कैसे हमें काम करना है, एंड उस दिन होता क्या है, प्राइस एक्शन में क्या होता है। डब्ल्यू डी ज्ञान के मेथड में बहुत सारे ट्रेंड चेंज डेट कैलकुलेशंस आपको मिलेंगे। मेरे समझ में जो आया उसमें से मैंने 5 मेथड्स यहाँ पे कोर्सेस में डाला है। एंड ओरिजिनल ज्ञान कोर्सेस में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ये जो ट्रेंड चेंज डेट हम निकालते हैं, इसके लिए कुछ डाटा पॉइंट्स चाहिए, जैसे कि पिछले महीने का हाई कब हुआ था, लो कब हुआ था, इनका प्राइस रेंज क्या हुआ था हाई टू लो के बीच में, कितने दिन का समय लगा था ये हाई फॉर्म होने के लिए, लो फॉर्म होने के लिए, ये सारे को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, फिर से फॉर्मूला लगा के नंबर्स इन सेम डिग्री लाइन निकाला जाता है। एंड गणना शुरू होता है जिस दिन हाई फॉर्म हुआ, उस दिन से जो भी नंबर्स निकलता है उसको ऐड करके हम ये प्रोजेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में कब ट्रेंड में बदलाव आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे हमारा जो ज्ञान के सॉफ्टवेयर है जो 3,000 में आ जाता है, 1 साल का उसका कॉस्ट रहता है 3,000। ये जो सॉफ्टवेयर है ज्ञान का सॉफ्टवेयर है, उसमें से यही सारे चीज एक्सेल में जो आप अभी अभी देखे उसी वैसी तरह से ये कैलकुलेट करके निकाल देता है। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर निकाला था 11 तारीख को ट्रेंड रिवर्सल होगा, 16 तारीख को होने वाला है, और एक मेथड में ये बताया था कि पहला जो दिन में होगा, क्योंकि ये तो सैटरडे संडे में अगर आ जाते हैं तो पहला जो सैटरडे का पहला फ्राइडे में काम कर जाएगा, नहीं तो मंडे को काम कर जाएगा। अगर वो ट्रेंड रिवर्सल डेट कोई हॉलीडे या सैटरडे या संडे वीकेंड्स में आता है, तो उससे पहले का जो वर्किंग डे होगा या उसके बाद का जो वर्किंग डे होगा, वो हॉलीडे का बाद का, उसी दिन वो ट्रेंड चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि 1 तारीख का था, यहाँ पे 1 तारीख का था, 1 तारीख तो सैटरडे है, संडे है, तो 3 तारीख तो आपको पता होगा एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया मार्केट में 3 जून को, जो एग्जिट पुल के हिसाब से एक 700-800 पॉइंट का मूवमेंट रहा। उसके बाद में दूसरा जो हमारा मेथड्स, दूसरा जो ये बोलता है कि हमें 16 तारीख को भी एक ट्रेंड चेंज डेट है, एंड और एक ट्रेंड चेंज डे भी 11 तारीख को भी। तो ये जो 11 तारीख का ट्रेंड चेंज डेट था वो किसे काम किया, यानी कि 10 तारीख का जो प्राइस एक्शन रहेगा उसका उल्टा होगा। 10 तारीख को था नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी का, हम निफ्टी का देख रहे हैं, एंड 11 तारीख को हम देखे पॉजिटिव ओपन तो नहीं हुआ, तो पॉजिटिव ओपन हुआ तो यहाँ पे 10 तारीख का
259 में क्लोज हुआ था, 283 पॉजिटिव ओपनिंग हुआ, 389 तक गया, कुछ लोज भी बने, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, बट पॉजिटिव फ्लैट ओपनिंग क्लोजिंग में ही फ्लो रहा। तो यही यहाँ से पता चला कि हाँ 11 तारीख का जो ट्रेंड चेंज रेट यहाँ पे दिखाया गया है ये सही काम किया। आगे चल के 16 तारीख को है बट वो संडे है, तो हमें 14 तारीख को या 17 तारीख को ट्रेंड चेंज देखने के लिए मिल सकता है। ये लो एंगल से, हाई एंगल से भी कुछ अलग डेट्स निकलते हैं। इस तरह से स्टैटिक एंगल हुआ, गैन एंगल हुआ, हाई लो स्क्वायर हुआ, हेक्सागन हुआ, ये सारे ट्रेंड चेंज डेट्स जो होते हैं इनका कुछ मीनिंग रहता है, कुछ मेजर ट्रेंड चेंज होते हैं, यानी कि इस दिन नया हाई बनेगा, नया लो बनेगा, बड़ा करेक्शन होगा ऐसे। एंड कुछ जो होते हैं माइनर, उस दिन छोटा सा करेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाएगा, उस तरह से हो सकता है। तो यही आपको देखना पड़ेगा हेक्सागन का 13 तारीख यानी कि कल, ये वीडियो बनना है 12 जून को, 13 तारीख कल है, 13 तारीख आज तो पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। आज के क्लोजिंग के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग, 160 पॉइंट के आसपास में पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। तो कल 13 जून को इस मेथड के हिसाब से नेगेटिव ओपनिंग होगा या नेगेटिव क्लोजिंग होगा, तो इसका फायदा कैसे ले, यानी कि हमें पता चल गया कि 13 तारीख को ट्रेंड बदलने वाला है, अभी ये पॉजिटिव क्लोजिंग हो रहा है, तो लास्ट आवर जो होता है 3 से 3:30 के बीच में हमें क्या करना है, निफ्टी को बेचना है एंड सिर्फ बेच के छोड़ नहीं देना है, उसके साथ में एक कॉल ऑप्शन भी हमें खरीदना है, कॉल ऑप्शन भी खरीद के उसको हेज करके रखना है। तो जब ट्रेंड चेंज डेट देखने के लिए हमें मिलेगा उस समय में ट्रेंड चेंज डेट अगर अफेक्टेड रहा तो उस समय में हम इसको प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यही रहता है ट्रेंड चेंज डेट का यूज, इस तरह से यूज किया जाता है। एंड ये जो ये मत मान के चलिए कि ये 100% काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 ट्रेंड चेंज डेट निकलता है तो उसमें से 5 या 6 ट्रेंड चेंज डेट काम करता है। कोई भी मेथड दुनिया का नहीं है जो 100% सक्सेस दो। तो यहाँ पे जो भी हमारा ट्रेंड चेंज डेट निकलता है उसमें से हमें 60% के आसपास में ट्रेंड चेंज डेट काम पे आ जाता है। तो यह मिल गया आपका इसमें। तो यहाँ पे हम ये भी देखें कि हाँ ट्रेंड चेंज डेट का ये सारे बहुत सारे मेथड्स है, तो कौन सा मेथड ज्यादा काम करेगा, कौन सा लो रेस्पॉन्ड करेगा। कुछ ट्रेंड चेंज डेट्स होते हैं जैसे कि हेक्सागन हुआ, लो एंगल हुआ, हाई एंगल हुआ, इनका एक्यूरेसी रेट थोड़ा ज्यादा होता है। हेक्सागन हुआ ये ज्यादा होता है, इसका मतलब नहीं है कि बाकी का सब नकारा है, बाकी का जो ट्रेंड चेंज डेट है वो भी इम्पोर्टेंट है। हमें करना क्या है, एक तो ट्रेड वाला मैंने बताया कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, 10 तारीख को 11 को ट्रेंड चेंज होने वाला है, 10 को अगर नेगेटिव क्लोज होता है तो हम 10 का एंड में यानी कि 3:30 के बीच में हम मार्केट में अगर नेगेटिव क्लोज है तो खरीदेंगे, पॉजिटिव क्लोज होने जा रहा है तो बेचेंगे, एंड हेजिंग करके रखेंगे अगले दिन ट्रेंड चेंज का फायदा लेने के लिए। ये हुआ पहला ट्रेड का। दूसरा, आपका कोई पोजीशन अगर ऐसा है तो उसको हेज कर लीजिए ट्रेंड चेंज देने से पहले। तीसरा, कोई पोजीशन अगर प्रॉफिट है तो पार्शियली कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए, ट्रेंड चेंज होने वाला है तो जो बना बनाया प्रॉफिट वो भी हाथ से हट जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फायदा ले सकते हैं, ट्रेंड चेंज डेट का यही सब फायदा है। डिटेल्स अगर पढ़ के आप सीखना चाहते हैं ट्रेंड चेंज डेट का तो ज्ञान का कोर्स ले लीजिए, उसमें सारे मेथड्स एक्सेल शीट के साथ में वीडियो के साथ में दिया गया है। एक 40 घंटे का कोर्स है, एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो ये सब्जेक्ट पूरा सीख जाएंगे, इसमें किसी का आपको हेल्प नहीं चाहिए, आप खुद ही ये सब कैलकुलेशन एक्सेल में कर सकते। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड इस मेथड को काम पे लगाइए। मैंने तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज डेट कब कब होने वाला है वो स्क्रीन भी दिखा दिया, इसको भी थोड़ा आप सेव कर लीजिए एंड आने वाले जो भी दिन सब ट्रेंड चेंज होने वाला है उन दिनों इनको ऑब्जर्व कीजिए तो पता चलेगा कि सही में ये मेथड काम करता है या नहीं। एंड हेक्सागन का काल एक ट्रेंड चेंज डेट है, 13 तारीख को है, फिर 15 तारीख को गिर रहा है, तो ये भी आप थोड़ा नोट करके लिख लीजिए एंड इसका भी थोड़ा आप टेस्ट कर लीजिए कि रियल मार्केट में क्या ये सही में काम करता है या नहीं।
अगर काम करता है तो पढ़ के अपने आप ही उसको सीख लीजिए। एंड बहुत सरल गणित है इसमें, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।